बागीदौरा विधानसभा से बीजेपी को लगा बड़ा झटका। दो बार विधानसभा प्रत्याशी रहे खेमराज ग्रासिया ने दिखाए बागी त्यौहार। जी हाँ दोस्तों, भारतीय आदिवासी पार्टी में शामिल हो सकते हैं ग्रासिया। कल आयोजित हुई बीएपी की बैठक में लिया था भाग, जहाँ 84 विधायक राजकुमार रोत ने माला पहनाकर किया था स्वागत। ग्रासिया 21 से 22 अक्टूबर को आनंदपुरी में कर सकते हैं बड़ी जनसभा। इसमें की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बीजेपी के प्रत्याशी खेमराज ग्रासिया हो सकते हैं बीएपी में शामिल। राजस्थान में किसका खेल बिगड़ेगा, नए अवतार में पुराना दल बीएपी। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही चिंतित नजर आ रहे हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और राज्य की 200 विधानसभा सीटों के लिए 25 नवंबर को मतदान होने हैं। एक तरफ जहां बीजेपी ने कैंडिडेट के नाम की पहली सूची निकाल दी है, वहीं कांग्रेस में गहलोत गुट और सचिन पायलट गुट में जारी रसाकसी की वजह से प्रत्याशियों के ऐलान में देरी हो रही है। इसके बीच भारत आदिवासी पार्टी ने भी दोनों पार्टियों का गेम बिगाड़ने के लिए मैदान में उतर चुकी है। बागीदौरा विधानसभा से बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका। हेमराज ग्रासिया हो सकते हैं भारत आदिवासी पार्टी में।